हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शुभ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे ये पावर एम्पलीफायर। बेसिकली दोस्तों काफी पावरफुल एक एम्पलीफायर आता है, ये आता है ड्यूल चैनल का पावर एम्पलीफायर। ये बेसिकली दोस्तों किसके लिए मैं लेके आया हूं, यहां पे आपके जो ड्यूल के 600 वाट के स्पीकर होते हैं यानी 1200 वाट का जो टॉप होता है, अगर आप वो दो टॉप चलाने चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन एम्पलीफायर होने वाला है। तो आप जान सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है, और यहां पे मैं इसको पर्सनली भी यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो मैंने कैसी करी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे चला रहा हूँ, वो भी सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफी अच्छी होने लगी है, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे एम्पलीफायर की बॉक्स को देख सकते हैं यानी इसकी पैकिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप से ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको ये बॉक्स देखने को मिलता है, इसके अंदर एक और बॉक्स देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों ये मैं पहले से टेस्ट कर रहा हूँ इस एम्पलीफायर को, तो आप जान सकते हैं ये एम्पलीफायर कितना खास होने वाला है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन के लिए ऊपर ये थर्मोकोल फॉर्म देखने को मिल जाती है। बाय चांस अगर आप कहीं और इस एम्पलीफायर को मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजीली मंगा सकते हैं बिना किसी डिफेक्ट के। तो यहाँ पे कोई भी डर नहीं होगा, यहाँ पे पैकिंग हमें अच्छी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे ये एम्पलीफायर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये एनलैब्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से एम्पलीफायर को निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं एक्स सीरीज का जो मॉडल नंबर है आपको देखने को मिल जाता है, एनलैब्स की ब्रांडिंग के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर की साइड भी आपको एनलैब्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एम्पलीफायर के वॉल्यूम्स यानी इनके नोब्स हो गई, और यहाँ पे आपको ये पावर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, क्लिप का भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ये -3 -15 और -30 dB के सारे लाइट इंडिकेटर आपको सेपरेट दोनों चैनल के लिए अलग दे रखे हैं। तो इसका भी आप वॉल्यूम्स को दे सकते हैं चैनल ए और चैनल बी के। और यहाँ पे आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि एयर पास के काम आती है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो गया, तो इसका आप ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ये मार्क आपको पता ही होगा, यानी आप ज़्यादातर तो जानते होंगे, ये है BIS मार्क यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड मार्क है। यहाँ पे ये एम्पलीफायर गवर्नमेंट से टेस्ट होके आता है, तो बिल्कुल से बिल्कुल आप इस एम्पलीफायर को आप ये नहीं कह सकते कि फेलियर हो सकता है बीच में चलते चलते। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपको मार्क देखने को मिल जाता है जो कि BIS मार्क कहते हैं हम इसे। चलते हैं यहाँ पे मैं आपको बैक पैनल की कुछ डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर के बैक पैनल पर, और बैक पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आता है पंखा यानी इसका जो फैन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यह है एक चैनल के लिए सेपरेट अलग दे रखा है। यहाँ पे आप जस्ट इसके बगल में देख सकते हैं ये है रीसेट बटन, यानी अगर एम्पलीफायर आप रीसेट करना चाहें तो इस बटन से आप रीसेट कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हैं ये आता है पावर पोर्ट, यहाँ पे आपको पावर पोर्ट का भी अलग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आपके पास स्पीकर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये डायरेक्ट वायर को भी लगा के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है कि आप इससे ब्रिज मोड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रिज मोड पे चला रहे हैं तो आपको ये दो जो सॉकेट्स हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये क्लियर भी मेंशन कर रखा है कौन सा प्लस रहेगा और कौन सा माइनस रहेगा अगर आप ब्रिज मोड कर देते हैं सेटिंग से, और बाकी अगर नॉर्मल जैसे यूज़ करते हैं तो आपके पास ये प्लस और माइनस दोनों के लिए अलग सेपरेट देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलता है ये हाई क्वालिटी के स्पीकर सॉकेट्स। तो यहाँ पे अब ये चैनल दोनों के लिए मिल जाते हैं यानी चैनल ए और चैनल बी दोनों के लिए मिल जाते हैं। जस्ट हम उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एनलैब्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे X3 मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। इनपुट और स्पीकर के यहाँ पे आपको कुछ डिटेल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कनेक्शन कैसे करेंगे वो थोड़ी सी आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये स्विचेस देखने को मिल जाते हैं यानी मोड स्विचेस सिलेक्शन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर भी मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हैं ये आते हैं हमारे XLR सॉकेट्स, इनपुट और आउटपुट दोनों आपको मेंशन कर रखे हैं, ये दोनों को दोनों बैलेंस रहेंगे। अगर आप इनपुट बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस ही आपको आउटपुट मिलेगी। और यहाँ पे आपका दूसरे चैनल का जो फैन है यहाँ पे अलग दे रखा है। तो चलते हैं यहाँ पे हम कुछ और डिटेल के बारे में जान लेते हैं।
तो दोस्तों अभी तक आपने देखे यहाँ पे फ्रंट पैनल और बैक पैनल पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है। यहीं अगर मैं बात करूँ पावर आउटपुट के, यहाँ पे आपको पावर आउटपुट कितनी कितनी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 8 ओम्स की पावर आउटपुट, तो यहाँ पे आपको 8 ओम्स पर चैनल मिलता है 1000 वाट प्लस 1000 वाट। यहीं अगर मैं बात करूँ 4 ओम्स की, तो यहाँ पे आपको 1400 प्लस 1400 वाट देखने को मिल जाता है। यहीं अगर बात करूँ मैं 2 ओम्स की, यहाँ पे आपको 2 ओम्स पे 1600 प्लस 1600 वाट देखने को मिल जाता है। यहीं अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसको ब्रिज पे, यानी ब्रिज मोड पे अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो 8 ओम्स पे आपको मिलता है यहाँ पे 2000 वाट, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 ओम्स की ब्रिज आउटपुट, तो यहाँ पे मिलती है आपको 3000 वाट। तो अभी आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप 800 वाट यानी आपके जो 400 वाट के ड्यूल के जो टॉप होते हैं, अगर आप वो भी चलाना चाहें तो उस पर चला सकते हैं। यहीं अगर आप 1400 वाट तक के, यहाँ पे अगर आपके पास 750 वाट के अगर स्पीकर है, 800 वाट तक के भी स्पीकर आप इस पर यानी ड्यूल का जो टॉप होता है 800 वाट का, अगर वो भी रन करवाना चाहें तो आसानी से चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप यही टॉप के लिए तो हो गया, लेकिन यहीं अगर मैं बात करूँ बेस भी अगर आप चलाना चाहें, और ब्रिज का अगर पावर आप यूज़ करना चाहें ब्रिज मोड पे, तो ब्रिज मोड पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हैवी बेस रन करवाने में मदद करेगा ये एम्पलीफायर। तो दोस्तों यहीं अगर मैं कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो ये आता है क्लास ए बी का, यानी क्लास ए बी में आता है। यहीं अगर मैं बात करूँ उसकी जो डैम्पिंग फैक्टर आपको कितनी देखने को मिल जाती है, तो 500 डैम्पिंग फैक्टर आपको देखने को मिलता है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसकी जो पावर इनपुट है, यानी ये कितने वोल्टेज पे काम करेगा, तो ये काम करेगा 190 वोल्टेज से लेके 263 वोल्टेज तक, 50 टू 60 हर्ट्ज पे दोनों पे वर्क करेगा। तो ये आपको काफ़ी अच्छा एक पॉइंट मिल जाता है कि आप एम्पलीफायर को ले सकते हैं, और आपके पास बाई चांस जो वोल्टेज है वो अगर स्टेबल नहीं है, तो आप इसको चला सकते हैं आराम से। यहीं अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको 2 फैन देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर मैं कुछ और डिटेल के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर सेंसर्स हैं वो मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छे लगे। यानी अगर ये ओवरहीटेड होता है तो ऑटोमेटिकली ये फैंस और काफ़ी अच्छे से मतलब कूल डाउन करने में मदद करता है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसके कुछ और डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो पावर सप्लाई है यानी चैनल 1 और चैनल 2 के लिए यहाँ पे आपको सेपरेट मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर जो मुझे लगा यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट मुझे जो लगा कि यहाँ पे आपको पावर सप्लाई जो है वो सेपरेट अलग मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक और आपको मेन पॉइंट बताने की कोशिश करूँ, जब हम यहाँ पे पावर ऑन करते हैं एम्पलीफायर का, तो आपको देखने को मिलेगा, कर दो, तो ये देखिए ये LED ब्लिंक हो रही है रेड ब्लू। बेसिकली ये होता क्या है, ये होता है सेंसर सारे चेक करते हैं हर एक पार्ट को कि कोई पार्ट ख़राब तो नहीं है, तब जाके ये फिर ब्लू हो जाती है, यानी पावर पूरी तरीके से आपको ऑन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये इसका मतलब है कि LED अगर ब्लिंकिंग हो रही है तो ये चेकिंग में है, यानी इसके सारे सेंसर जो हैं वो चेक कर रहे हैं एम्पलीफायर को कि एम्पलीफायर सही है अंदर से। तो ओवरऑल चलते हैं और कुछ डिटेल के बारे में देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ जो देखी है वो यहाँ पे देखी है कि मैंने जब इस एम्पलीफायर को चलाया और कभी कभार जो लाइट थी यानी जो वोल्टेज थे वो अप एंड डाउन हो रहे थे, तो यहाँ पे मुझे ये काफ़ी चीज़ जो अच्छी लगी कि इसमें जो साउंड की जो क्वालिटी थी, और यहाँ पे जो साउंड होता है वो कभी कभार बैठ जाता है अगर आप वोल्टेज जो होता है या फिर आप कह लीजिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अगर बाई चांस कम ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे जो बाकी एम्पलीफायर होते हैं उनमें जो साउंड होता है वो या तो फटाफट सा आपको सुनाई मिलेगा, या तो साउंड या तो एम्पलीफायर ही बंद हो जाएगा, तो ऐसा इसके अंदर नहीं है। अब बाई चांस अगर एम्पलीफायर पे आपको वोल्टेज अगर कम भी मिलते हैं इस एम्पलीफायर को, तो यहाँ पे जो साउंड की क्वालिटी होगी वो एक ही जैसी बनी रहेगी, तो यहाँ पे कोई अप एंड डाउन नहीं रहेगा, एक जैसी क्वालिटी आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर लाइव में इसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी फेलियर के चांसेस आपको नहीं मिलेंगे, लाइव जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अगर वोल्टेज अप एंड डाउन या फ्रिक्वेंसी अप एंड डाउन होती है, तो यहाँ पे इसको ऐसा डिज़ाइन करा गया है कि आपका जो साउंड की क्वालिटी वो एक जैसी बनी रहेगी, तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहीं अगर मैं बात करूँ कुछ और डिटेल के बारे में, तो इसका जो तकरीबन वजन यानी वेट जो है यहाँ पे 25 किलो आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली जैसे ये ट्रॉयडल में आता है, यानी इसके अंदर आपको एक ट्रांसफॉर्मर भी देखने को मिलता है। तो चलते हैं यहाँ पे मैं कुछ और डिटेल, और यहाँ पे और जिसकी टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो टेस्टिंग पे काफ़ी मजा आने वाला है। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ 600 प्लस 600 वाट के 2 टॉप, यानी आपको 1200 वाट का 4 ओम्स पे एक टॉप मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पर चैनल आपको 1200 प्लस 1200 वाट के टॉप डाल के दिखाऊंगा। तो चलिए टेस्टिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, और टेस्टिंग पे मैं आपको यहाँ पे, ये रहा हमारा X3 वाला मॉडल, तो यहाँ पे अभी ये आप देख सकते हैं हमारा X3 वाला मॉडल। साथ के साथ जो मैंने यहाँ पे अभी जो टॉप लगा रखे हैं, यहाँ पे जो टॉप है वो हमारे यहाँ पे 1200 वाट के 2 टॉप है। तो यहाँ पे सिंगल मैंने चैनल को दे दिया, और यहाँ पे फुल कर दिया है मैंने वॉल्यूम को। पीछे से आप कनेक्शन दे सकते हैं एक बारी कि ये है हमारी 2 स्पीकर जो कि वहाँ सीधे जा रही है, और 2 ही इनपुट हो रही है।
तो यहाँ पे मिक्सर में ही अभी 3 चैनल का डीजे का मिक्सर यूज कर रहा हूँ, आप कोई और भी मिक्सर इसके अलावा यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं गाना फटाफट से प्ले कर देता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ही होगी और आपने इसकी क्वालिटी जो सुनी होगी बिल्कुल मधुर क्वालिटी होगी। यानी बाकी अगर आपके पास अभी एम्पलीफायर होंगे अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो क्वालिटी होगी बिल्कुल चेंज मिलेगी, यहाँ पे आपको मधुर मिलेगी, सॉफ्टनेस सी फीलिंग होगी कि हाँ ये क्वालिटी कुछ अलग ही हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पे ओवरऑल कह सकते हैं ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। और ज़रूर से नीचे कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये एम्पलीफायर और आपको कैसी लगी ये टेस्टिंग की क्वालिटी, ज़रूर से नीचे कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ये एम्पलीफायर को आप कैसे परचेज करेंगे और कुछ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये आता है 3 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ में, और यहाँ पे परचेज करने के लिए यहाँ पे आपको HVN कंपनी का एड्रेस शो हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शो हो रहा होगा, तो ये गुजरात में, तो आप जाके यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। और यहीं अगर मैं बात करूँ सर्विस की, यहाँ पे आपको 48 आवर के अंदर ये आपको एम्पलीफायर सही होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बाई चांस अगर एम्पलीफायर आपका ख़राब भी होता है तो आप कंपनी के पास भेजिए और आपको 48 आवर के अंदर ये एम्पलीफायर ठीक होकर मिल जाएगा। बाकी SMT सर्किट बोर्ड के साथ आता है, तो अगर बाई चांस अगर आपको लोकल मार्केट के रिपेयरिंग सेंटर से भी सही करवाना हो तो ईजिली रिपेयर हो जाएगा क्योंकि इसके पार्ट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा गया है। साथ के साथ ये BIS मार्क आता है, यानी BIS गवर्नमेंट अप्रूव्ड आता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल से बिल्कुल हमने ध्यान रखा है कि कहीं पे भी ये फेलियर के चांसेस आपको नहीं देगा। तो इस चीज़ का इसको एम्पलीफायर में काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि BIS और गवर्नमेंट अप्रूव्ड मुझे लगा। यही बात करते हैं, इसको मैं रिकमेंडेशन देता हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल से बिल्कुल आँख बंद करके आपको बोलता हूँ कि आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आपको ये एम्पलीफायर कहीं पे भी आपको धोखा नहीं देगा। तो बिल्कुल से बिल्कुल आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन इस एम्पलीफायर की। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, तो ज़रूर से नीचे कमेंट में बताएगा। और आपके कोई क्वेश्चन हो और आपके कोई भी सजेशन हो मेरे इस चैनल के लिए तो ज़रूर से नीचे कमेंट में बताएगा। बात करते हैं यहाँ पे, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आंसर्स, और कोई और डिटेल के बारे में जानना है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है तो आप मुझे वहाँ पे भी मिल सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।